Students, today we discuss a ring, and the definition of ring is a non-empty set R with two operations, plus and dot, forms a ring if the following law are satisfied. हम लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन को डिस्कस किया था. तो ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ही ऑपरेशन होता था. उस ऑपरेशन के लिए हम क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स ये सब फाइंड कर देते. तो यहाँ पे जब R होगा आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, मान लीजिए कि सेट ऑफ इंटीजर बन रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जिसके अंदर दो ऑपरेशन होंगे. तो इन दो ऑपरेशन के लिए वो एक रिंग को फॉर्म करेगा. अगर फर्स्ट जो लॉ बन रहा है इसमें आर वन प्लस ऑपरेशन के लिए वो एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए. जो फर्स्ट ऑपरेशन दे रखा है उसके लिए आर प्लस जो है एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए. एबिलियन ग्रुप का मतलब हो गया आर प्लस के लिए आप क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ कंप्लीट निकालेंगे. आर टू रूल में कहता है कि आर डॉट सेकेंड ऑपरेशन के लिए आर डॉट जो है वो फॉर्म करेगा सेमी ग्रुप को. सेमी ग्रुप में हम डिस्कस करते हैं क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ. और नेक्स्ट बनेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आर थ्री. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर देखो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. ऑल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एंड सेकेंड वन इज बी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए. ऑल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर. दिस इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव. देखिए फर्स्ट ऑपरेशन प्लस बी और सी के बीच में लगाया है और सेकेंड ऑपरेशन को डॉट को यहाँ अप्लाई कर और सेकंड के अंदर डॉट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. सेकंड ऑपरेशन यहाँ अप्लाई हो रहा है और फर्स्ट ऑपरेशन बी और सी के बीच में अप्लाई कर. ए बी सी जो है वो आर से बिलोंग करना चाहिए जो आपका नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है. बाय आर वन आर टू एंड आर थ्री हम कह सकते हैं कि आर प्लस और डॉट जो है रिंग बनाएगा. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसी के अंदर आर फोर कम्यूटेटिव रिंग. आर इज कम्यूटेटिव रिंग इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए. सेकेंड ऑपरेशन जो हमारा दे रखा है उसके लिए ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो बी डॉट ए के इक्वल बननी चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. एंड आर फाइव इज द जीरो ऑफ द रिंग. वलय का शून्य कैसे बन पाता है. आइडेंटिटी आर निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज कॉल्ड जीरो ऑफ द रिंग. जो आपने फर्स्ट लॉ फाइंड किया है आर प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप उसके अंदर आप फाइंड करेंगे क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी. वहाँ जो आपको आइडेंटिटी मिलेगी वो आइडेंटिटी क्या कहलाती है, जीरो ऑफ द रिंग. मतलब प्लस ऑपरेशन के लिए जो आप आइडेंटिटी फाइंड करोगे उस आइडेंटिटी को बोलते हैं जीरो ऑफ द रिंग. आर सिक्स इज यूनिटी ऑफ द रिंग. वलय का इकाई. ए मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी इन ए रिंग इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ द रिंग. जब हम आर डॉट को सेमी ग्रुप प्रूव करेंगे तो वहाँ पर हम दो लॉ अप्लाई करेंगे. फर्स्ट है हमारे पास क्लोजर लॉ, सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ. यूनिटी ऑफ द रिंग निकालने के लिए आपको जो मल्टीप्लीकेशन जो आपका ऑपरेशन दे रखा है उस ऑपरेशन के लिए आपको क्या फाइंड करनी है, आइडेंटिटी फाइंड करनी है. वो जो आइडेंटिटी आएगी वो यूनिटी ऑफ द रिंग कहलाएगी. आर सेवन इज जीरो डिवाइजर ऑफ द रिंग. ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो. ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो. ए एंड बी आर जीरो डिवाइजर ऑफ आर. फर्स्ट कंडीशन बनती है. सेकंड कंडीशन में हम कहते हैं कि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो. इफ ए बी नॉट इक्वल्स टू जीरो देन आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स. एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स के लिए नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास अगर ए बी इक्वल्स टू जीरो दिस इंप्लाइज दैट ए जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो. हम ये कह रहे हैं कि देखो ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है और बी नॉट इक्वल्स टू जीरो है. तो हमारे पास वैल्यू अगर ए डॉट बी जीरो बनता है तो ए और बी जो है जीरो डिवाइजर कहलाएंगे आर के शून्य भाजक सहित कहलाएंगे. और अगर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है और बी नॉट इक्वल्स टू जीरो है देन ए बी नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाएगा शून्य भाजक रहित कहलाएगा. इसी के अंदर सेकंड कंडीशन होती है हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए ए बी इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो हम कहेंगे ए जीरो के इक्वल होना चाहिए या बी जीरो के इक्वल होना चाहिए तो आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाएगा. आर एट इज डिविजन रिंग और स्क्यू फील्ड. A ring R plus and dot is called a division ring if it has unity and every non-zero element of R has its multiplicative inverse.
अगर कोई जो रिंग बन रही है हमारे पास, मतलब आर प्लस जो है वो एवेलिन ग्रुप बना रहा है, आर डॉट जो है वो सेमी ग्रुप बना रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके अंदर होल्ड हो रहा है, ये कंप्लीट रिंग जो है वो डिवीजन रिंग कहलाएगी या स्क्यू फील्ड कहलाएगी। अगर इन तीन प्रॉपर्टी के साथ उसके अंदर क्या हो, यूनिटी हो, और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का जो है वो गुणन प्रतिलोम आर में विद्यमान होना चाहिए। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन आर प्लस डॉट इज कॉल्ड ए डिविजन रिंग।